वेलकम वेलकम इन माय किचन। गल ऐसी भी फ्रेंड दे इक दा फोन आ गया भी मैं आ रही हूँ ते मैनू तेरे हाथ दा पोहा खाना है। मेरे हाथ विच की है कुछ भी नहीं पर मेरे हाथ दा पोहा खाना है ते मैं जरूर खवा दिनी हाँ। ओदे वास्ते मैं क्या चलो जे देना ही बना ही रही हाँ तो फिर तुहानू दिखा ही क्यों ना देवा। आओ जी इधर नू आ जाओ। बहुत लोगों नू ए नहीं पता भी ये की हुंदा उदे विच लिखा आंदा वट इज़ इट वट इज़ इट एंजे ये पोहा हुंदा चावल जड़े हुंदे है ना उन्हों फ्लैट किता हुंदा फ्लैटन जड़े राइस है उन्हों पोहा कहते हैं। इनू जी असी बनाने वास्ते धोवांगे तो पर आप होर की करना है वो तुहानू दिखांदे हैं कि पोहा जड़ा है ना इनू धोना वो बहुत जरूरी है। पोहे नू पानी दे थले यह जड़ा पानी है देखो जब तक ये वाइटनैस ये आती है मैं काफ़ी धो लिया इनू अच्छी तरह नाल धो के ते इनू एक बारी इस तरह करके रख लो। अज मैं प्याज मटर आलू ते बाकी मन मर्च मसाला जड़ा है वह पावांगी। ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हाँ थोड़ा जहा ऑलिव ऑयल पावांगी ए जे बॉर्स दा ऑलिव ऑयल राइट असी ए खाने असी रिफाइंड जड़ा वह नहीं खाते तो ये जी मूंगफली है ना इनू असी थोड़ी जी जिन्नी पाना चाहते हो पा के मैं वधिया लगती है प्रोटीन भी होंगी है तो रात का डिनर नहीं करना इस ही आप कम चलाना है सहेली भी खा देंगे आप भी खा लेंगे साढ़े कड़े मूँह तो पट्टी बनी हुई है भाई भी आप नहीं खाने ये जी मूंगफली असी फ्राई कर लेना। मूंगफली कदों फ्राई होंगी है ये तुम दस दें रंग चेंज होना शुरू होंगे ना उदो ही कर लो क्योंकि ये गर्म होंगी है तेल तो ये बाद भी अपने आप लाल होंगी रही है। एक बार की होया भी मैं अपने एक अंकल सीगे उन्होंने वो किसी वेले पता नहीं उन्होंने हाँ उन्होंने वाइफ जड़े से मेरे को पोहा खा के गए तो अगली बारी अंकल कहते बहुत साल पहलों की गल है 35 साल पहलों की गल है अंकल कहते भई वो मेरी वाइफ कह रही सी पोहा बड़ा तू स्वाद बनानी है मैं क्या हाँ जी अंकल जी मैं बना लैनी हाँ पोहा तो मैं जी पोहा उन्हां वास्ते बना लगी तो पाती मूंगफलियाँ तो जदों वो थोड़िया जी ज़्यादा हो गई हाए जदों लगे खान तो बिच मूंगफली आखे मैनू खाओ ना तो कौड़ी बड़ा मैनू लगा अंकल बड़े चा नाल खान आए तो अगों मिलिया मेरे कोल की मैं तुहानू की दसा हैगी जे मोटी राई तो ये मैं बिच पा दिती है ये थोड़ी मर्जी अनुसार है किन्नी पानी है ज़्यादा पानी है बहुत अच्छी होंगी है ये हाजमे वास्ते भी चंगी होंगी है पर मैं ये फटन तो पहला ये तड़कन तो पहला ढक दिनी होंगी हाँ मेथों ये बर्दाश्त नहीं होंदा भी तड़क तड़क करके भड़क भड़क करके मेरे तो भड़के मैं बड़ी औखी होंगी हाँ लो जी फिर ये हूँ भड़कती रहेगी आपे तो आप देखो देखो आओ जी ये तड़क भड़क हो रही है तो हूँ असी पा देंगे मसाले। क्या मेरी सहेली तो करारा बहुत खाती है मर्चा उन्होंने बड़िया चाहिए ने मैं कि कर लगी हाँ घर दिया मर्चा ने यह भी ये ही तड़क भड़क जड़िया ने ना करा देनिया ने मैं देखो सोहनिया लगन गियाँ बिच ठीक है ये भी तड़क भड़क होन दो इन्हों हूँ ये तड़कन लग गई जी ठीक है तो ये तड़क गई जी हूँ तड़ 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 होर मेरे उत्ते किधरे पवे तो मैं पा दिनी हाँ ये प्याज ठीक है जी। देखो ये सब्जियां वाला पोहा ये कुछ भी पाओ बड़ी टेस्टी देखा जे ना हूँ भी पक पक कर रही है तो डर भी बड़ा लगता उड्डे ना नहीं चलो उगदी थोड़े जे मोटे कट के पाने होंगे ने तो ये आलू भी उस साइज़ के ही कट के ते पा दो ठीक है ना दोनों इको जे हो जाए ना तो बड़ी जल्दी काम हों के ते आज साढ़े कोल बड़ा ही प्यारा हरा हरा मटर ये वे फ्रिज च रखा हुआ अज दिखाव तू फ्रिज किमें पे मेरा तो पता नहीं अज नहीं दिखा सकती मेरे को होर ना हूँ कुड़ी भी कोई नहीं तो कौन लियाएगा तो कौन करेगा
रहन दो। पानी ले लिया जे तो ये ना मैं वरतदी हाँ हेंस हैंस कहता कोई हेंस कहता वनेगर जड़ा ये ऑरगैनिक होंगे ठीक है यदा सिरका तो पानी के सिरके पा लेना बहुत स्वाद बन जाए जे ना हो सिरका तो आप बाद नींबू भी निचोड़ सकते होने कोई हार्ड फास्ट कुछ नहीं होंगे तो ये जो पोहा है ये ना इंज करके नमक पा के ना एक बारी इनू मैं हिलाता ए देखो ये पोहे बड़े तरह के होंगे कई जुड़ जाते हैं कई कुछ थोड़ा जहा नमक इधर भी पा दें तो लो फिर ये जो पानी है ना सिरके वाला वो ये इदा छिड़कना ताकि ये सॉफ्ट रवे पोहा हार्ड ना हो जाए तो ना ही इन्ना होना चाहिए भाई गली जाए बिल्कुल ही चल सोहना लग रहा है। अच्छा एक गल दसो चिट्टा पोहा खाओगे कि पीला मैं चिट्टा पोहा भी बहुत स्वाद लगता तो ये जी है जिन्हें मटर ज़्यादा गालन की लोड़ नहीं पैंदी ये भी चार दाने पा छड़े ने मटर बथेरे पे ने पर बड़ी देर भी पई है जो मटर ने आना आलू ते प्याज़ा का हिस्से का नमक ये पा के अज ना मैं हल्दी नहीं पानी तो ये माड़ी जी लाल मिर्च पा के ना यदा रंग जड़ा है वह सोहना बनाने की कोशिश करांगी बन गया तो गुड ना बनया तो बन गया गुड तो तुहाडा ना बनया तो मेरा सारा कुछ एक सार ते बहुत वधिया हो गया ते असी हुण इहदे च पाता कढ़ी पत्ता बहुत स्वाद लगता पर बिल्कुल ऑप्शनल है जे ना खांदे हो ना होवे तो कोई एड्डी वड्डी गल भी नहीं है। लो ये मूंगफलियां जिहड़ियां ने वह भी असी पा दित्ती हुण है पोहे नूं पाण दा तरीका पोहे नूं इदां हथ दे नाल खिलारी जाओ ते पाई जाओ आहिस्ता आहिस्ता सारा पोहा जुड़िया होया नहीं पाना बिखार के पाना जे टुट ना जावे जुड़ ना जावे इस वास्ते तुसी इहनूं इदां करके दो नाल हिलाओ दो नाल हिलाओगे हिलेगा भी सोहना ते टुटेगा भी नहीं ठीक है तो इस बस हूँ कुछ नहीं करना इन्हें बस थोड़ा जहा जो भाफ निकलती पीए गर्म हो गया तो पोहा बन गया हूँ भावें सहेली आए तो भावें सहेली के नाल घर वाला आए बच्चे आन जो मर्जी खान बड़िया मौजा ने बना के रख छड़िया आएगी थोड़ी देर न खवावगी फिर तो ये ना जी इन सोहना बनाने वास्ते देखो एक तो मर्चा ने सोहनिया भी लगदिया ने तो वैसे मतलब भी खाने को भी जिन्ना मैंने खानी हो तो अंकल भी खा लेंगे इदा ही तो मैं नहीं पाई हल्दी अज तो वैसे मैं एक होर चीज़ पाती हूँ वो दिन बहुत सोहनी बनती है तो तुम ना ये उत्ते इदा करके स्प्रैड करो जोड़ा कढ़ी पत्ता है सोहना लगेगा खा तो लैना ही है। ये हो गया जी तैयार साडा पोहा यह क्यों इदा क्यों होया इन पुछो भी इतने क्यों लग्या लो जी आप ला दें लो हो गया ना तैयार थैंक यू वेरी मच देखने वास्ते खा के कल दसांगी भी कहो जिहा सी।